कि नारियल पानी जा रहे हैं पूजा, और मैंने यहाँ पर निकालने के लिए पर खाना बना, लेकिन वो अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट ऊपर खड़ी हुई थी तो मैंने गली में देखा कि नारियल पानी वाला आया है, तो मैं भाग के गई नीचे और फटाफट से लेकर आई थी नारियल पानी। तो फ्रेंड्स, नारियल पानी मैंने लिया था, फिर उसको फोड़ के मैंने रख लिया है फ्रिज में। और आज है जो होली के बाद में बांसवाड़ा होता है, वो सभी लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारी भीड़। जो कुआ होता है, कुआ पर इसकी पूजा होती है, बांसवाड़ा जो होता है। तो हमारे गली मोहल्ले के सारे गांव के यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे झाड़ वगैरह ये सारी चीज़ें रखी है। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट सो के उठी थी तो मैं गई थी बाहर, क्योंकि मम्मी ने बांसवाड़ा पूजन किया था, तो वहाँ पर जो भी छिड़का वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसी के लिए घर के सभी सदस्यों को एक पास में बैठना पड़ता है। और जब तक पूजा नहीं होती है तो ना ही चाय बनाई जाती है, ना ही झाड़ू लगती है, कुछ भी नहीं होता, नहाए धोया कुछ भी नहीं जाता, तो उसी का नाम होता है बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स, मम्मी ने पूजा कर दी है, पूजा करने के बाद में ही फिर मैं आई हूँ अभी किचन में चाय बनाने के लिए। फिर भी अभी झाड़ू नहीं लगी है तो सिर्फ चाय बन रही है, तो चाय बनाने के बाद में फिर थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद में फिर झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, नारियल पानी की ना पानी तो मैंने और दिव्यांश ने पी लिया था, और नारियल को मैंने निकाल के रख दिया है, थोड़ा सा खा लिया था, थोड़ा सा रख दिया, क्योंकि ना उसकी बनाऊंगी मैं नारियल चटनी, बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो फिर काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं नारियल चटनी बनाऊँ, तो इसलिए मैं ना चटनी बनाने वाली हूँ। तो पहले तो अपनी चाय वगैरह बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट में देखते हैं आज, क्योंकि अभी कुछ बनेगा तो नहीं, क्योंकि अभी कम से कम 9 या 10 बजे के बाद में ही खाना पीने की चीज़ें जो स्टार्ट होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नमकीन वगैरह वो सारी चीज़ें ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपना चाय वगैरह पी ली थी, तो अभी टाइम है आप लोगों को बता दूँ, बज रही है 9:30, 10:30 हो रहे हैं टाइम सुबह के। तो मैंने यहाँ पर निकाल के ले आ रही हूँ काशी फल, और मम्मी उधर काट रही हैं आलू और गोभी। तो एक बन जाएगी सब्जी आलू गोभी की, और एक बना देंगे काशी फल की। तो काशी फल की जो सब्जी है, इसको पंपकिन बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं, मतलब अपनी अपनी जगह पे काफ़ी तरह से बोला जाता है, इसको पेठा भी बोला जाता है। तो इसकी सब्जी बन जाएगी पापा के लिए, क्योंकि पापा आलू वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए काशी फल की सब्जी हो जाएगी, और हमारे लिए अपना ये कहा दोनों सब्जी हो जाएंगी। तो मम्मी बना रही थी एक, जब तक मैं दूसरी को कट कर देती हूँ। मेरे पास बैठा है दिव्यांश, क्योंकि उस पर मैंने चक्कू से कट लगवाया था, तो बस वो अपनी बातें बनाने में लगा पड़ा है, वो बहुत बोलता है, तो कुछ ना कुछ उसकी 3-5 चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ना इसको आधा मैंने कट दिया था, क्योंकि पूरा ही ले आए थे, 1.5 किलो का था, फिर थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर आधा काट लिया है, और आधा मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। तो आज बन जाएगा, फिर 1-2 दिन के बाद में फिर से ये दोबारा थोड़ा सा जो बचा है उसमें बन जाएगा। इसका रायता भी बहुत अच्छा लगता है काशी फल का, और काशी फल की मतलब मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन हलवा वगैरह भी मैंने देखा है कि उसका हलवा वगैरह भी बनाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, मैंने बनाया भी नहीं है। तो उसका जो भी कूड़ा वगैरह भी मैं उठा के रख देती हूँ। काशी फल जो था वो कच्चा था, पीला नहीं है, हरा है, तो इसलिए मैंने उसका छिलका जो है बहुत कम निकाला था, छिलका नहीं निकाला, उसके बीज वगैरह थे वो मैंने सब निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स, दिव्यांश को मैंने ना अपना काम दे दिया था उसका, तो वो अपना पढ़ाई करने में लगा हुआ है। मम्मी यहाँ पर आटा लगा रही हैं, तो यहाँ पर मम्मी ने ना सब्जी बनाने के लिए रख दी है, काशी फल की भी और गोभी आलू की भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और मैं यहाँ पर इसको ना पलट के निकाल देती हूँ, और दोनों ही सब्जी हमारे साथ में बन चुकी हैं, काशी फल की और आलू गोभी की। तो मैं दोनों को इनको बाउल में निकाल के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह निकाल के रख दी थी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना आज। मतलब मन कर रहा था मेरा कि चलो मैं खाना बना देती हूँ, और मम्मी अपनी गीता वगैरह पढ़ रही हैं, वो कर रही हैं अपनी पूजा, तो मैं यहाँ पर खाना बना लेती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले तो मतलब भोग लगाया जाएगा भगवान जी का, भोग लगाने के बाद में ही खाया जाता, तो उससे भी पहले सबसे पहले निकालूंगी गाय की रोटी। तो एक गाय की रोटी बनती है, और ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, और यहाँ पर 2 या 1 रोटी बनती है,
डॉगी के लिए, जो भी हमारे यहाँ पर मतलब पाले हुए नहीं हैं लेकिन वो अपना आते रहते, तो उनके लिए सुबह और शाम फिर दो दो रोटी बना देती हैं, क्योंकि कोई भी है वो उसको खाने को मिलता वो तभी आता है वरना नहीं आता। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दोनों के लिए बना के रख देती हूँ। और अभी तक भी चैनल पर न्यू है, कोई भी न्यू आया है चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स जाइए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पर ना अपना जो भोग की रोटियाँ थी मैं उनको यहाँ पर लगा के प्लेट में ले जाऊँगी। तो अभी सब्जी भी गर्म थी, रोटी भी गर्म है, तो पहले हल्का सा इसको ठंडा करने के बाद मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि भगवान जी का भी मुंह जल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दे देती हूँ इन दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना दिया था, भोग लगा दिया और मैंने भी खाना खा लिया, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है, बर्तन मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं कप वगैरह भी साफ़ कर दी थी, तो वो मैं यहाँ पर दूसरी जगह पर रख देती हूँ। पानी को यहाँ कर दूँगी इसका साफ़, और पानी का जो है रखा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर उठा के दोबारा बाल्टी को भर के रख दूँगी। तो मैं किचन की कर देती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई, तो यहाँ पर ना कि किचन को साफ़ हो जाएगा, बाद में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और पोछा भी अभी लगाना बाकी है, तो काम मेरा भी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट किचन का जो काम है वो हमारा हो गया है पूरा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।